मुझे आज भी वो आजादी की सुबह याद है। लोग पता नहीं आजादी का जश्न मनाते, लेकिन एक और पंजाब चल रहा था और एक और बंगाल चल रहा था। उसी वक्त नेहरू एक भाषण दे रहा था प्रेस विद डेस्टिनी। वो ये बात बड़ी ढंग से कह रहा था कि हिंदुस्तान आजाद हुआ, लेकिन उस जलजले में हम सब मर रहे थे। मैंने ये बात हिमालय से पूछी, मैंने कहा हिमालय तो खड़ा क्यों, तो बिगड़ क्यों नहीं जाता। हिमालय बोला, तुम ये तो चाहते थे, सदियों से तुमने अंग्रेजों की गुलामी झेली है, आज तुम ये तो चाहते हो, फिर तुम इतना गमगीन क्यों हो। मैंने कहा नहीं, ये बर्बरता मुझसे देखी नहीं चाहती, और तुम कहते हो मैं ये चाहता हूं। नहीं, मैं ये भी चाहता हूं। हिमालय बोला, सब कुछ सही होगा, तुम देखना इस गुलशन में फिर से अमन खिलेगा, और देखना इन बहारों में फिर से चमन की रौनक होगी। मैंने कहा भाई ठीक है हिमालय, तुम्हारी बात मान लेते हैं। 71 हुआ और मेरे ही मुल्क के दो टुकड़े हो गए। मुझे आज भी वो 6 दिसंबर 1992 का वो दिन याद है। आप इंतहा कीजिए, मैं उस वक्त एक ही बात बोल रहा था कि जब तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे थे और मोहम्मद पैगंबर जब अपनी तालीम दे रहे थे, मैं वहीं पर विद्यमान था, निर्भाव निर्लज निर्भीक, समूचा आवाम मेरी जात तय तय कर रहा था और मैं खुद को इंसान समझ के इतराता फिरता रहता था। अरे मैंने हिमालय को बोला कि जब ब्रह्मा की इस पावन नगरी पर 5 मस्जिद का निर्माण हुआ था तो अयोध्या में भी बाबरी का प्रस्ताव पारित हुआ था। हिमालय फिर से क्या बोलेगा। मैंने कहा अरे वो हिमालय तो अभी भी ठहरा हुआ है, तू बिगड़ क्यों नहीं जाता है, धरती की तू वापस धरती में समा क्यों नहीं जाता। हिमालय बोला ये 47 की खुरेज है, ये आसानी से नहीं मिलेगी, ये लोग नहीं मानेंगे, ये 47 का जख्म अभी भी लोग लेके चलते हैं, तुम देखा हिमालय ये लोग नहीं बदलेंगे। मैंने फिर वो आंसू पी लिए। मैं 2002 नवाजा पार्टी का एक बार फिर से मैंने हिमालय को पूछा, मैंने कहा अब क्या हो गया, ये लोग कब सुधरेंगे, ये लोग कब एक दूसरे को मारना बंद करेंगे, आखिर इन लोगों को हो क्या गया है। अब का जवाब तो हिमालय के पास भी नहीं था, कहने को तो वो क्या बोले, इंसानी मंजर का तो उसने ये तो करिश्मा कहीं नहीं देखा। तुम यकीन मानो लोगों ने किसी व्यक्ति को किसी महिला को पेट चीर के मार दिया, और आप और मैं सब बैठे रहे, हम ये तमाशा देख रहे हैं, रोज ये बात हमारे सामने हो रही है, हम सब तमाशा देख रहे हैं, हमने तमाशा 2002 में देखा है, लेकिन ये वक्त का मंजर है, तो धीरे धीरे तो बदलेगा, चीजें धीरे धीरे हमारे साथ होगी। फिर ये चीजें हुई और एक घटना मैं फिर से उल्लेख करना चाहूंगा, मैं हिंदुस्तान की आवाज बोल रहा हूं, दादरी के बिसाहड़ा गांव में अकलाम अहमद को जब मारा गया। आप सबको ये बात याद रही होगी, कैसे किसी समूह ने एक भीड़ बना के किसी व्यक्ति को मार दिया। आप और मैं कल्पना कीजिए, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, हम बहुत ठहरे हुए लोग हों, आप सब लोग वही भीड़ सुबोध को मार देती है। इस भीड़ तंत्र में हिंदू पाके हिंदू मुस्लिम दोनों मरे गए और हम इल्जाम एक दूसरे पे लगा गए। आज भी हम 47 को दोषी देते हैं कि 47 में ये हो गया, उस वक्त तुम क्यों नहीं बोले, उस वक्त तुम क्यों नहीं बोले हैं, कौन बोलना चाहता है, हम इस सवाल किसको पूछे। हम मैं हिंदुस्तान सवाल हिमालय से पूछता हूं, आप लोग सवाल किसको पूछोगे। मेरे मुल्क के लोगों, तुम बहुत ठहरे हुए लोग, तुम्हारे अंदर की बेचैनी समाप्त हो चुकी है, तुम चाहे धीरे धीरे कोशिश कर लो, लेकिन अब वो मंजर वैसा नहीं रहा। हमारे मुल्क में हम एक जुनैद को एक बेहतर भविष्य नहीं दे सकते हैं, तो हम इस मुल्क में क्या कर रहे हैं, हम उस मुल्क में खाना कैसे खा रहे हैं जहां इस मुल्क में ये हो रहा है, हम अमन की आशा और अमन का पाठ कहां पढ़ रहे हैं। जब कोई गौरी को मार के चला जाता है वो संदेश देता है। मैं ये सवाल रोने को तो मैं भी रो सकता हूं, हिंदुस्तान के आंसू आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हम रोए हैं, हमने खूब रोया, हमने 47 का हमने काफी रो लिया, हम अब और नहीं रोना चाहते हैं, हम इस मुल्क में अब अमन चाहते हैं। हमने बहुत बिसाते जंग देख ली, हमने बहुत रोना गुन खराबा देख लिया, मुल्क की आबो हवा में अब बारूद की गंध हो चुकी है। मैं फिर सवाल करता हूं हिमालय को, हिमालय अब देख, ये घटनाएं ये देश को हमारे घटनाएं ये देश को तबाह कर रही है, और तुम ये किस मातम का मंजर बना रहे हैं।
हिमालय की रूह से कांप गई। वो ये बात बड़ी बदनसीबी से कहता है कि मैं निगल भी तो नहीं सकता हूं अपने आप को। तो मैंने पूछा, तुमने सदर इसमें क्यों वादा किया था मुझे कि तुम धरती में समा जाओगे? वो बोला कि मैं 47 का सोचा, मैंने कहा गांधी बाबा का भारत में सब कुछ सही होगा। उसने फिर उस व्यक्ति का नाम ले लिया। आप सभी लोग गांधी को तो जानते होंगे ना जी। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बात बोली होगी कि आने वाली पीढ़ी ये बात नहीं समझ पाई कि हार्ड मास का पुतला इस धरती पर चला भी होगा, और वो मेरी ही धरती पर चला था। मैं कितना खुशनसीब हूं। कोई नहीं मान पाएगा। एक और, जब सब कुछ हो रहा था तो गांधी बैठ गया था बंगाल में फरने पे। ट्रकों से हथियार आए थे कि हम अब युद्ध नहीं चाहते हैं, हम उस गांधी के भारत के हैं। वो कभी भी हमें दंगे नहीं सिखाता, वो कभी हमें युद्ध नहीं सिखाता है। आज मेरी आप सभी से विनती है, हमें गांधी के पास जाना पड़ेगा। हमें उस राजघाट की चार दीवारी में शाम गुजारनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि वो किस हिंदुस्तान का सपना देख रहे थे। हमें ये बात, हमें वहां जाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हम ऐसे तो काम नहीं होगा। ये सवाल आप पूछ लीजिए अपने आप को, मैं भी सवाल पूछूंगा, आप भी पूछेंगे। धन्यवाद।